पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं पहुंचा हूं गांव कालुआना में और कालुआना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं। यहां पे जो ग्रामीण है सामने आप देख सकते हैं यहां पे इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नहीं मिल रही। सुविधाएं मिलनी तो दूर की बात, डॉक्टर भी समय पर यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। अगर दूसरी सुविधाओं की बात करूँ तो डिलीवरी जिस महिला को होनी है उसको तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर किसी को इमरजेंसी रेफ़र किया जाता है तो वो रेफ़र करने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा इस हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती। चलिए कुछ हमारे साथ जो गांव कालुआना के युवा साथी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जा कर के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसी है, क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही हैं, डॉक्टर समय पे मिल पाते हैं नहीं मिल पाते, किस तरह की सुविधाएं इस स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही हैं। जी क्या समस्या है आपको इस समुदाय के अंदर से? एक तो ये है जी, जो डॉक्टर की यहाँ पे ड्यूटी है वो डॉक्टर्स नहीं आते हैं। जितना स्टाफ की हमारे हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी है वो कभी पूरी नहीं हो पाती और जो डॉक्टर है वो कभी आते ही नहीं है। यहाँ पे बार बार पूछने पर ये बोल देते हैं भी 2 दिन के बाद आएंगे, 4 दिन के बाद आएंगे, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे डॉक्टर आना, आ नहीं रहे हैं। और जो हॉस्पिटल में गांव की लेडीज़ आती है, बुज़ुर्ग महिला आती है, उनको आज बुलाया भी था, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती भी यहाँ तक चल के आई। वो आके यहाँ पे बोलती है भी गर्मी के अंदर जो बोतलें वगैरह लगानी होती है वो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जबकि बोतलें सरकार की तरफ से आती है। अभी मैंने 23 तारीख को यहाँ पे देखा था, 23 तारीख को एक्सपायरी हो गई जो दवाइयाँ, वो बाहर इस साइड में हॉस्पिटल की एक है लेटरिंग है उसके अंदर डाल के आए हैं, और जो टेबलेट्स के पत्ते वगैरह हैं वो यहाँ पे पीछे एक खड्डे के अंदर इन्हीं के स्टाफ के द्वारा जलाई गई है। अच्छा, तो क्या सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं इस समुदाय के अंदर में? इसके अंदर सुविधाएं हैं जी, हमारे जो पिछले सरपंच थे उसके टाइम में एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई थी, वो एक साल से हमने एम्बुलेंस यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर कभी देखी नहीं है। गांव में कोई सुविधा नहीं है जी हॉस्पिटल की, अभी कोई हॉस्पिटल के अंदर अभी यहाँ पे कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। चलिए जी, फिलहाल यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जी। यहाँ पे जैसे भी डॉक्टर आते हैं 2 दिन के बाद, कोई डॉक्टर का टाइम होता है 10 बजे का, थे कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है जी। उसके बाद मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जी, और एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है जी। और जहाँ भी गाँव के कोई बुजुर्ग महिला कोई भी लेडीज डिलीवरी के टाइम यहाँ पे आती है तो उसको कोई उपचार के लिए सही ना तो उनकी देखभाल की जाती है ना ही कोई उनके लिए दवा उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक, हॉस्पिटल की जी शिकायत करी पहला भी माँ गांव का कुछ युवा आ गई हैं, क्यों माने हॉस्पिटल में सही सुविधा मिले भी। हॉस्पिटल में सुविधा तो कौन ही, पर कुछ गांव का है जिका, एक तो है मनोज गिंटाल और उसके साथ राकेश जाखड़, उन्होंने आके कहा भी यहाँ पे साफ सफाई हम करेंगे, युवा क्लब बना के ना तो बार की सफाई की है उन्होंने, और डॉक्टर नहीं थे तो भी उन्होंने एपी गोदारा है उसने आके कहा भी डॉक्टर सब आ रहे हैं, सीएम इंडो की जांच आई उसमें कह रहे थे भी आ रहे हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आप पहली बार आए हैं इस हॉस्पिटल में? नहीं, 2-3 बार ही आ गए। 2-3 बार आ गए, किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं? दवाई हम तो बुलाए आपको तो। अच्छा, नहीं पहले जब आए थे आप दवाई लेने तो दवाई मिली थी आपको? नहीं, डिलीवरी खतरा आए, हम डिलीवरी कोई एम्बुलेंस नहीं मिली यहाँ पर, फिर हम डबाड़ी गए। अच्छा, डबाड़ी जाके फिर वहाँ भी छुट्टी थी, फिर भी एम्बुलेंस नहीं मिली हमको। अच्छा, सब गाड़ी करके आए, हम गाड़ी करके गए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे दवाई जो है वो प्रॉपर मिलती है आपको? कभी मिल जाती कभी नहीं जाती, बच्ची लड़की खास हो रही है कि दवाई यहाँ पे मिलती नहीं का। अच्छा, का सरकारी लेके आओ दवाई का, डॉक्टर सही समय पे मिल जाते हैं? हाँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलती। चलिए हॉस्पिटल के अंदर की जो सुविधाएं हैं वो दिखाने से पहले एक बार मैं आपको बाहर का हाल दिखा देता हूँ हॉस्पिटल का। ये है कालुआना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव कालुआना, जो आदर्श गांव की सूची में आता है और प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से अवार्ड जीते हुए है इस गांव ने। ये है कालुआना गांव के स्वास्थ्य केंद्र की हालात। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा करकट गंदगी बिखरी पड़ी हुई है।
ऐसा नहीं है कि इसको सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए गए, गांव के लोगों ने प्रयास किए थे, एक क्लब भी बनाया था, लेकिन अभी फिलहाल वो क्लब जो है वो ठंडे बस्ते में ज़रूर पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको पीछे का हाल दिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पे झाड़ियां ही झाड़ियां हमें नज़र आ रही हैं। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र की ये हालत हमें नहीं लग रही। अब ऐसे में इसका जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवार किसको ठहराया जाए, गांव के लोगों को या हॉस्पिटल के स्टाफ को या फिर ग्राम पंचायत को? लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ के सदस्यों का साफ तौर पे कहना है कि अगर गांव के लोग सहयोग करें तो इस गंदगी से निजात मिल सकती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें इस कालवाना गांव की, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, और आगे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं। पशु जो बेसहारा गायें हैं, गौशाला होने के बावजूद भी ये गायें यहाँ पे अपना निवास करती हैं, रहती हैं यहाँ पे, आराम फरमाती हैं। चलिए अभी हॉस्पिटल के अंदर जाकर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, डॉक्टरों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर, किस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही हैं, कितने डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति है, कितने डॉक्टर ऑन ड्यूटी आते हैं अभी, और कितने डॉक्टर छुट्टी पे चल रहे हैं या फिर ट्रेनिंग पे चल रहे हैं। चलिए हॉस्पिटल के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सीट भी हमें खाली पड़ी हुई दिखाई दिया। डॉक्टर का रूम भी दिखाएंगे और बातचीत करेंगे स्टाफ के सदस्यों से, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं दवाई लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी कितनी बार आए होते हैं हॉस्पिटल में? दो तीन बार आ गया। तो दवाई था ना, सही टाइम पर मिल जाए? सही टाइम पर मिला। अच्छा, डॉक्टर? डॉक्टर सही टाइम पर मिले, डॉक्टर भी मिल जाए सही टाइम पर, कोई दिक्कत कौन था ना? ठीक है, थे क्या दवाई लेना है? मैं जाड़ पर आना है। जाड़ पर आना है तो जाड़ डॉक्टर मिले? हाँ, बरवाली जाड़ तो। अच्छा, बरवाली, कोई समस्या कौन था ना? नहीं कोई समस्या। ये गांव मरा क्या डॉक्टर को नहीं आने लग रहे और इतना हो गया? ए आ रहे हैं नहीं, मां तो मिल रहा है। अच्छा, थाने मिले। हां, अच्छा, थे के कौन जाओगा? मैं तो की कौन का, ठीक है डॉक्टर है, बढ़िया दवाई दे या बैठे मोटे में डॉक्टर सारा मिल रहा टाइम पर? हां, ओम जी रे डॉक्टर है, ओम जी है एक डॉक्टर है और आठ है डॉक्टर ही कोई, कोई ओम डॉक्टर एक है भी नजाना में। कितने दिनों को नहीं मान के डाब में तो आज आया आठ है। गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, मिली जुली प्रतिक्रिया हमें यहां पे देखने को मिली है। चलिए अभी डेंटल जो असिस्टेंट हैं ओम प्रकाश जी, उनसे जानते हैं पूरा क्या कुछ मामला है, कितने डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति है, कितने अभी फिलहाल आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, इस अगर कालवाना प्राथमिक केंद्र की बात करें तो कितने डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट यहाँ पे है और कितने डॉक्टर आ रहे हैं? जी वैकेंट पोस्ट पड़ी है, एक तो दो पोस्ट है, तीन है वैसे, एक डेंटल सर्जन की है, डेंटल सेशन अभी डॉक्टर की वो तबादला हो चुका है, उसके बाद में दोबारा कोई आया नहीं, और मैं डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट पर यहाँ कार्यरत हूँ, और एक एमओ हमारा ट्रेनिंग पर चल रहा है, वो 1 जून तक चलेगी चंडीगढ़ पीजीआई। कितने समय से ट्रेनिंग चल रही है? उनके एक हफ्ता हो गया जी, हफ्ता की ट्रेनिंग। लेकिन गांव के लोगों का ओम प्रकाश जी ये कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से डॉक्टर यहाँ पे आते ही नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा है जी, आते हैं तो कोई ट्रेनिंग, अब गांव में तो इतना पता नहीं होता, जब किसी की आना हो उस टाइम शायद ना मिले हों, कोई बैंक का काम है, 100 काम होते हैं जी, जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, सब सेंटर चलते हैं, 6-7 गाँव लगते हैं यहाँ, तो इस सेंटर में पड़ते हैं, कभी वहाँ जाना पड़ता है, उनको चेक करना होता है, कोई और होता है, ऐसी बात नहीं है कोई, हम तो जी करके कर रहे हैं जो काम मन तय दिल से कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं? सुविधाएं मौके पर जो आती है सुविधाएं, हमारे पीछे से जितने स्टॉक होता है दवाइयों के हिसाब से जितनी आती है उस हिसाब से हम यहाँ देते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट है नहीं, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है एक फार्मासिस्ट और आ जाए, एमओ की पोस्टें पूरी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पब्लिक को, मेन बात तो है यही। बाकी नंबर दो, अगर क्लब वाले हमारे कोई सहयोग करे और करे तो बाहर सफाई का है, ये हम कल्ले तो कर नहीं सकते, अगर ये सहारा दें हमें कुछ करें तो हम इसके साथ है, गांव का सहयोग मिल जाए तो बात, बाकी चारों तरफ से सफाई होने वाली बहुत ज़रूरी है सर। ओम प्रकाश जी, अगर प्रेग्नेंट महिला की बात करें, वो प्रेग्नेंट होती है जो दवाई लेने आती है, उसको डिलीवरी के लिए कहीं बाहर रेफ़र किया जाता है, तो क्या एम्बुलेंस की सुविधा है? एम्बुलेंस की सुविधा सर नहीं है, हमारे
दो तीन गांवों के अंदर एक एम्बुलेंस की सुविधा गोरीवाड़ा हमारा सेंटर दे रखे है जी। हम कॉल करते हैं उसी टाइम आ जाती है, कोई 20 मिनट आधा घंटा अगर इधर हो जाता है तो वो तो बात दूसरी है, क्योंकि एमरजेंसी लेकर के जाना होता है इनको। जहाँ अब डबवाड़ी दूर है, सरसा भी दूर है, तो या तो चौटावाड़ा से चौटाला से आ जाती है या ओडा से आ जाती है। 108 नंबर पर कॉल करने के बाद में इस चीज़ की स्थिति का पता चलता है और उसी टाइम आ जाती है, ऐसी बात नहीं। आधा घंटा तो प्रॉपर, 20 मिनट प्रॉपर, ये तो मान के चलो लग ही जाता है टाइम थोड़ा बहुत। अगर दवाई की बात करें तो जो मरीज़ दवाई लेने के लिए यहाँ पे आते हैं तो क्या उनको प्रॉपर दवाई मिल पाती है या बाहर से खरीदनी? देखो जी, ये है गांव थोड़ा सा बागड़ी टाइप में, हमारा पिछड़ा एरिया है। पिछड़ा एरिया होने के कारण यहाँ कोई जयपुर की पर्ची लेके आ जाता है कि हमें तो यही दवाई चाहिए, तो हम वो दवाई नहीं दे सकते। जो हमारे पास उपलब्ध है हम वही दे सकते हैं और डॉक्टर के हिसाब से वो सलाह मशवरा करके ही दवाई दी जाती है। अभी ये देने के लायक है या नहीं है ये बातें हम उसे, अगर डॉक्टर यहाँ मौके पर दो मिनट के लिए नहीं है तो हम उनसे पूछ लेते हैं, क्यों फार्मासिस्ट ना होने के कारण हमें ये दिक्कत आती है। ठीक है सर, शुक्रिया ओम प्रकाश जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डॉक्टरों की कमी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंट ही नहीं है, डॉक्टर पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। गांव के लोगों की जो नाराज़गी है वो जायज़ है कुल मिलाकर के कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पे दवाई भी समय पे नहीं मिल पाती। तो ऐसे में ओम प्रकाश जी का कहना है कि जो दवाई यहाँ डॉक्टर जो लिख के देते हैं, डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं, वो दवाई उनको समय पर मिल जाती है, लेकिन अगर बाहर की कोई दवाई लेना चाहे तो वो दवाई यहाँ पर नहीं मिल पाती। लेकिन कुल मिलाकर आल अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं वो लोगों को कोशिश करते हैं कि उनको किसी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, और उन्होंने मांग की है, डिपार्टमेंट के लोगों ने भी मांग की है और गांव के लोगों की मांग है कि जितनी भी नियुक्तियाँ यहाँ पे हैं खाली पद पड़े हैं वो अगर भर जाएँ तो ये कालुआना गाँव का जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, ना गाँव के लोगों को किसी भी परेशानी से जूझना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।